Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our seventh lecture of science for class 7. We'll start from unit number 2, plants and their system. ये बेटा हमने जो यूनिट इससे प्रीवियस पढ़ा था यूनिट नंबर 1, उसमें जो हमारा कंप्लीट हो गया था वर्कशीट है, ये आपने कंप्लीट करनी है. नोटबुक्स में आपने इनका लिखना है और इनको आपने लर्न करने के आंसर. तो हमारा लेक्चर आज का होगा पेज नंबर आप निकालें 17, अपनी बुक से पेज नंबर 17 पर आ जाएं. डिफरेंट टिश्यूज, अब ऑर्गन को हम डिफाइन करते हैं. डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन. पीछे हमने पढ़ा था कि डिफरेंट सेल्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं टिश्यू के लिए, और फिर टिश्यूज कंबाइन होती हैं ऑर्गन बनने के लिए. दीज ऑर्गन्स टुगेदर मेक अ प्लांट. डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक पूरा प्लांट बना देते हैं जिसको हम ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. एन ऑर्गेनिज्म इज समथिंग दैट इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन. ऑर्गेनिज्म कंप्लीट जैसे प्लांट हो जाएगा, कंप्लीट जो लिविंग हो जाएगा. अ लीफ इज अ प्लांट ऑर्गन. लीफ को हम प्लांट का ऑर्गन कहेंगे, विद हुज जॉब इज टू मेक फूड फॉर फोटोसिंथेसिस बाय फोटोसिंथेसिस. तो ये प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है. अ लीफ इज मेड फ्रॉम दिस टिश्यू. लीव, ये देखें कि लीव किस किस टिश्यू से बने. जाइलम है, फ्लोएम है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज है, फोटोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक जो फूड प्रिपेयर करते हैं. ये इसका अपर साइड और ये लोअर. तो ये अब हमारे पास नेक्स्ट इसका क्या है, अब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको हम पढ़ते हैं. तो ये सबसे पहले है रूट्स, इसी पेज पर हैं. देखें ये प्लांट है और इसके ये रूट हैं. रूट्स, दियर जॉब इज टू हेल्ड द प्लांट इन ग्राउंड. तो इनका सबसे पहला काम क्या है, पौधे को ज़मीन पर मजबूती से खड़ा रखना है. दे आल्सो टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. पौधे के लिए पानी और मिनरल्स लेते हैं ये ज़मीन से, मट्टी से. द टिप्स ऑफ रूट्स आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी. जो रूट्स की टिप्स होती हैं ना, बिल्कुल ये ग्रेविटी के सेंसिटिव. ग्रेविटी का सेंसिटिव का मतलब है जमीन की तरफ जाएंगी ये. दैट इज व्हाई दे ग्रो डाउन इनटू द सॉइल, और ये जमीन की तरफ नीचे की तरफ जाएंगी. उसके बाद आ जाता है स्टेम. स्टेम क्या है, द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट एंड होल्ड द लीव्स सो दैट दे कैन गेट सनलाइट एंड एक्सचेंज गैसेस विद द सराउंडिंग एयर. तो इसका काम क्या है, पौधे को सीधा खड़ा रखते हैं और जो है वो सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लेती हैं और गैसेस का एक्सचेंज करती हैं. सनलाइट इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेटिक का प्रोसेस करना होता है. फ्लावर अपीयर ऑन द एंड ऑफ स्टेम. स्टेम के आखिर में फ्लावर भी लगते हैं. सो इंसेक्ट्स कैन गेट टू देम ईजिली. इंसेक्ट उन पर ईजिली आ जाते हैं और फिर वो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है वो आगे. नेक्स्ट है ये आ जाते हैं फ्लावर्स. ये भी ऑर्गन्स हैं. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं फ्लावर्स पर. ऑर्गन्स हैं ये. दे दीज आर इन द फ्लावर्स. फ्लावर्स में होते हैं मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्लांट के लिए. फ्लावर्स आर यूजली ब्राइटली कलर्ड. कलर उनके ब्राइट होते हैं इसलिए इंसेक्ट्स उनकी तरफ आते हैं. एंड सेंटेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट. और खुशबू सेंट होती है उन पर जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं. ये बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, ये आप लोगों ने खुद करना है, इंशाल्लाह इजीली हो जाएंगे. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 17 है. अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है. रूट्स एंड स्टेम्स आर प्लांट्स ऑर्गन. रूट और स्टेम प्लांट कैसे ऑर्गन हैं, विच कंटेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लांट. तो फूड या उन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके अंदर होता है. दे हैव थिन ट्यूब्स इन साइड. उनके अंदर बारीक ट्यूब्स होती हैं जैसे हमारे अंदर वेन्स होती हैं. देम विच कैरी लिक्विड्स अप एंड डाउन द प्लांट. लिक्विड ऊपर और नीचे लेकर आती हैं. दीज आर टू काइंड्स ऑफ ट्यूब्स, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम है और एक फ्लोएम है. इनको इकट्ठा करके कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वस्कुलर टिश्यूज कहते हैं.
जाइलम क्या करते हैं, जाइलम ट्यूब कैरी वाटर एंड मिनरल्स इन सॉइल। जाइलम जो है वो रूट से मिनरल्स और वाटर लेकर आते हैं रूट के थ्रू। फ्रॉम द सॉइल अप टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड, जमीन से ऊपर वाले हिस्से में, दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल, उनके जो सेल्स होते हैं वो मोटे होते हैं, सख्त वॉल्स होती हैं, विच हेल्प इन जाइलम सपोर्ट द प्लांट, इस तरह जाइलम प्लांट को सपोर्ट भी देता है। जाइलम इज अ डेड टिश्यू है इन प्लांट सच एज ट्री, न्यू जाइलम इज मेड ईच ईयर, हर साल न्यू जाइलम्स बनती हैं, फॉर्मिंग रिंग्स इन द ट्रंक, ट्रंक के साथ ये रिंग्स बनाती हैं जिससे वो ट्रंक मोटा होता जाएगा। जाइलम इज वुड, वुड होती है ये। फ्लोइम आज फ्लोइम ट्यूब आर मेड फ्रॉम लॉन्ग सेल, लंबे सेल से होती हैं, ज्वाइन एंड टू एंड आपस में जुड़े होते हैं, दे कैरी शुगर सोल्यूशन फ्रॉम द लीव्स, शुगर सोल्यूशन का मतलब है लीव से जो फूड प्रिपेयर होती है वो उसमें होती है, वेयर इट इज मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में बनती है टू एवरी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे के हर हिस्से तक लेकर जाती हैं। दीज आर होल्स एट द एंड ऑफ ईच फ्लोइंग सेल, हर फ्लोइंग सेल के आखिर में एक सुराख होगा, सो शुगर सोल्यूशन कैन पास थ्रू, शुगर सोल्यूशन इसमें इजीली पास हो जाएगा। शुगर सोल्यूशन कैन गो बोथ अप एंड डाउन अ फ्लोइम ट्यूब एट द सेम टाइम, सेम टाइम में ऊपर और नीचे जाएगा। जाइलम एंड फ्लोइम ट्यूब्स आर बंडल टूगैदर एज वस्कुलर बंडल, इनको कहेंगे इकट्ठे मिलाकर इनको वस्कुलर बंडल। डिड यू नो, देखें, द वर्ड जाइलम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जाइलोन से आया है, विच मीन्स वुड उसको कहेंगे। फ्लोइम सेल्स आर लाइव है, जाइलम सेल्स आर डेड सेल्स। इसी पेज पर आ जाएं, ये रूट जो है वो दिखाया गया, इनसाइड है इसका, ये देखें ना बंडल्स हैं जाइलम। वाटर एंड मिनरल्स मूव अप द जाइलम ट्यूब्स, जाइलम ट्यूब से वाटर और मिनरल्स ऊपर जाएंगे और ये फ्लोइंग ट्यूब्स आ जाएंगे। शुगर फ्रॉम द लीव्स कम डाउन द जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू में आएंगे। द शुगर इज यूज बाय द सेल ऑफ द रूट्स इन रेस्पायरेशन, सांस लेने के दौरान ये उसको यूज कर लेंगे। ये रूट हेयर्स हैं, ये देखे ना साइड पर आपको नजर आ रहे हैं, ये गिव अ बिग सरफेस एरिया टू टेक इन वाटर, ये पानी को ज्यादा लाने के लिए हेल्प कर देते हैं। मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये इसको ग्रोइंग सेल एट द रूट टिप, ये रूट टिप है और ये ग्रो होने वाले सेल हैं, और ये जो है द ग्रोइंग रूट टिप इज प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप, ये रूट कैप है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये बेटा सेल्फ टेस्ट है, ये आप लोगों ने खुद करना है, होमवर्क में इंशाल्लाह इजीली हो जाएंगे, रिटन और राइट दोनों करना। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, इनसाइड अ स्टेम, स्टेम का अगर हम काट कर देखें तो इनसाइड कैसे होगा, ये देखें, ये इसका वास्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोइम मिलकर बने, ये क्या फ्लोइम ट्यूब्स हैं, ये देखें ना ये फ्लोइम ट्यूब दिखाई, फ्लोइम ट्यूब है, कैरी शुगर मेड इन द लीव्स अप एंड डाउन, ऊपर नीचे लेके जाएंगे प्लांट में। दीज ट्यूब हैव थिन वॉल, बारीक वॉल्स होती हैं। जाइलम ट्यूब्स देख लें, ये जाइलम है, जाइलम ट्यूब कैरी वाटर एंड मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट्स, रूट से ऊपर लेके जाएंगे। दीज ट्यूब्स हैव स्ट्रॉन्ग थिक वॉल होती हैं। तो आज का हमारा आर्टिकल कब खत्म हुआ, तो ये बेटा आपका होमवर्क है, क्वेश्चन है कुछ, इनके आंसर आपने रिटन और लर्न दोनों करना है। तो आज का इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।